और वह गुनाह ऐसा है कि अगर बंदा बग़ैर तोबा के मर जाए तो अल्लाह ताला कभी उसे माफ़ नहीं करेंगे दूसरे जो गुनाह हैं उसके अलावा बग़ैर तोबा के मर भी जाए तो हो सकता है अल्लाह चाहे तो मुआफ़ कर दे लेकिन ये गुनाह ऐसा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में तोबा की तोफ़ी ना पाए मर जाए उसी हालत में गुनाह करते हुए गुनाह को करके बग़ैर तोबा किए अल्लाह ताला कभी उसे माफ़ नहीं करेंगे और वह गुनाह है अल्लाह के साथ शर्क इन अल्लाहफर शरा कभी ही वक़्फर उमैदून अजली शाह अल्लाह इस बात को कभी बख्शते नहीं हैं कि उसके साथ शिरक किया जाए इसके अलावा जो गुनाह है अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दें अपने अल्लाह की मर्ज़ी की बात है तो मजा ने अपनी ज़िंदगियों को शिरक से पाक रखें शिर गुनाहों से साफ रखें क्योंकि शिरकमी अल्लाह ने उसको कहा कि बड़ा अजीम है। तो मजा सा हमारी अपनी जबान पर बाज़त कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जो बसा अवकात हमें शिरक में अब कर देते हैं हो सकता है हम उसको उतनी अहमियत ना दें लेकिन वो अल्लाह के साथ शिरक शुमार किए जाते हैं इमाम बुखारी ने अलादबुलमुफरत में एक रिवायत नकल की है कि नबी करीम वो सलाम के दरबार में अल्लाह के नबी के सामने एक आदमी ने कहा कि माशा हुआ उशा अल्लाह ने जो चाहा और आपने जो चाहा माशा हुआ इथा जब ये अल्फाज नबी करीम सलातम ने सुने तो उससे आपने पूछा अजाल तदा अजाल तल्ला नद्दा कि क्या तुमने अल्लाह के साथ किसी और को उसके मसावी ठहराया है उसके बराबर ठहराया है क्या तुमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लिया है क्या तुम मुझे अल्लाह का शरीक मानते हो फिर नबी करीम इसम ने कहा कुल माशा अल्लाह आपने कहा कि सिर्फ यह कहो कि जो अल्लाह ने चाहा, सिर्फ अल्लाह ने जो चाहा, तो माजरीन जिस सहबी ने माशाशा के अल्फाज कहे यकीनन उन उनहबी की ये कभी ख्वाहिश ना होगी उन सहबी की कभी ये कोशिश ना होगी ना उनकी नीयत होगी कि वो अल्लाह के नबी को अल्लाह के बराबर ठहरा दें अल्लाह का शरीक कर दें लेकिन चूंकि लफजी शर्क था लफजी शराकत थी इसमें लफ्ज में अगरचे नीयत में ना हो लफ्ज में गोया आपने और अल्लाह ने जो चाह अल्लाह ने और आपने जो चाहा गोया किस्म की शराकत दारी इसमें पाई जाती थी किस्म की मसावत इसमें पाई जाती थी तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी सख्ती से रोका तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का रद्द अमल हमें इस बात की तालीम देता है कि हम अपने अल्फाज का इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करें धड़ल्ले से अपने हम अल्फाज अपनी ज़बान से ना निकालें बल्कि सोच समझ के बोलें क्योंकि बाज़ औकात, बाज़ अल्फाज अगर से आपकी नीयत ना हो शिरक हो जाते हैं शिरक में बंदे को डाल देते हैं मौज सान इसी तरीके से आम तौर पर लोगों के जबानों पर जो अल्फाज होते हैं वो ये हैं कि मेरा क्या है मेरे लिए अल्लाह है और आप हैं बस नवज बिल्ला को यह मसला ऐसे है कि अल्लाह और आप उसके लिए हैं या कहते हैं अनाबिल्ला ही वो देखो जो भी मेरा मसला है या तो अल्लाह है या तो आप हैं बस अगर शेख नीयत तो उसकी ना हो कि वह अल्लाह के बराबर है लेकिन अल्फाज की बड़ी पकड़ होती है अल्फाज की अपनी तासीर होती है अल्फाज का अपना एक माना होता है ऐसे अल्फाज बंदा इस्तेमाल ना करे या बाज़ात होता यह है कि किसी मसले में बंदे को नजात मिल जाए कामयाबी मिल जाए सहूलत मिल जाए तो बजाय इसके कि अपनी जबान से तारीफ के अल्फाज कहे मोहसिन के सामने आकर के उसके एहसान को गिनाना शुरू कर देता है एहसान का तस्करा शुरू कर देता है कहता है कि अगर आप ना होते तो ये ना होता अगर आप ना होते तो मसला हल ना होता आपने मसला हल किया आप ही सब कुछ हैं आप ही फुला हैं देखिए अगरचि आपकी नीयत में अल्फाज नहीं हैं कि आप उसको अल्लाह के बराबर करार देना चाहते हैं लेकिन अल्फाज आपके क्या कह रहे हैं अल्फाज में अदब इस्तेमाल करें अलफा को बा अदब बनाएँ का इस्तेमाल एहतियात के साथ करें अल्लाह की तारीफ़ के साथ उसके बाद उस बंदे का जिक्र आप करें उसके एहसान का जिक्र आप करें अच्छी चीज है हाँ इंसान को लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए मोहसिन के एहसान को मानना चाहिए ये यकीनी चीज है एक जरूरी बात है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसी की तारीफ पर लग जाए अल्लाह को भूल जाए अगरचे आपकी नीयतों में अल्लाह जरूर हो लेकिन आपके अल्फाज में अल्लाह की तारीफ ना हो अल्लाह का शिक्र ना हो ये किसी चीज ये किसी से दुरुस्त नहीं है ऐसे अल्फाज से इंसान एहतियात करे बड़े अफसोस के साथ हमारे अपने मुसलमानों की जबानों पर यह अलफाज बकसरत पाए जाते हैं खसूस तौर पर चापलूस किस्म के लोग अगर हों या फिर मोहताज किस्म के लोग हों जिस पर लोगों का एहसान होता है या एहसान करके एहसान जतलाने वाले जो लोग होते हैं उनके जो एहसान तले दबे होते हैं उन लोगों के जबानों पर ऐसे अल्फाज बकसरत पाए जाते हैं या फिर बात मियाँ बीवी के दरमियान औलाद और वाल के दरमियान दोस्तों के दरमियान एक दूसरे पर अतमाद को बताने के लिए एक दूसरे पर भरोसे को बताने के लिए एक दूसरे की मदद के जज्बे को उभारने के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाते हैं कि तुम्ही को करना है अगर तुमने नहीं किया तो कोई नहीं इसको करने वाला अगर जे के आप चाहते हैं जानते हैं कि इसमें अल्लाह के साथ शराकत मुराद नहीं है लेकिन आपके अल्फाज क्या कहते हैं आपकी जबान से अल्फाज क्या निकल रहे हैं इस पे आप कंट्रोल रखें उन सहाबी ने जब कहा कि माशा हुआ शीतः अल्लाह ने जो चाहा और आपने जो चाहा, उसने अल्लाह का नाम लिया अल्लाह का जिक्र किया उसके बावजूद अल्लाह के नबी आलम ने कहा कि निया 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 निया। अजाल तीन तुम अल्लाह के मुसावी मुझे बराबर करते हो अल्लाह के बराबर मुझे करना चाहते हो तो जो अल्लाह का नाम ही ना ले कहे कि तुमने जो किया वही होगा तुम मदद करो तो काम होगा तुम ना होते तो ये मसला ना होता तुम्ही पे भरोसा है तुम्ही ऐसे किया तुम्ही को ऐसे करना है ये चीजें दुरुस्त नहीं है अपने जबान के अल्फाज को थोड़ा सा लगाम दें एहतियात के साथ बात करें अल्लाह के जिक्र को पहले लाएं अल्लाह के एहसान को पहले याद करें अल्लाह की तौफीक का पहले जिक्र करें फिर उसके बाद जा करके आप ऐसे अल्फाज कह सकते हो तो कोई हरस की बात नहीं है जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यकुल माशा अल्लाह व कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह ने और आपने जो चाहा वो हो गया लेकिन लियकुल उसे यह कहना चाहिए माशा अल्लाह व हुआ जो अल्लाह ने चाहा शत्ता फिर तुम्हारी मदद थी फिर तुम्हारा साथ था फिर तुम्हारी तरफ से ताउन था इन अल्फाज के साथ अल्लाह को पहले रखते हुए बाद में सबब का जिक्र करें इस पर इंशाला तै कोई हरज की बात नहीं है और ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जो हमारी ज़बान पर आ जाते हैं जो शर्क असगर हैं या इंसान को शरक तक पहुँचाने वाले काम हैं इन तमाम से इंसान को परहेज़ करना चाहिए बचना चाहिए अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें अपने आप को शर्क जैसे अजीम गुनाह से चाहे शिरक अकबर हो के असगर उनसे बचने की तोफ़ी नसीब फरमाए आमीन व सल्वल नबीन महमद वाल वबी अजमाइन अलैकुम, वसलम आलकम वाला वर्का